सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दैट वी ऑब्वियसली नो कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में कई सारे पोकेमॉन्स होते हैं जो कि रीजन बाय रीजन काफी ज्यादा इवॉल्व करते हैं, और ये पोकेमॉन्स कुछ डिफरेंट टाइप में बटे हुए होते हैं, लाइक लेजेंडरी, मिथिकल, स्टार्टर एंड नॉर्मल पोकेमॉन्स, जिनमें से लेजेंडरीज और मिथिकल का मिलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। वहीं पे जो स्टार्टर पोकेमॉन्स होते हैं वो अलग अलग रीजन में हमें अलग अलग पोकेमॉन्स पे दिखाए जाते हैं जिन्हें ट्रेनर्स चूज करते हैं। और ये स्टार्टर पोकेमॉन्स कुल तीन टाइप के होते हैं जो कि है वाटर, ग्रास एंड फायर। लेकिन जो स्टार्टर पोकेमॉन्स होते हैं उन्हें रीजन के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। आज का टॉपिक तो समझ ही गए होंगे कि टुडे वी गोना टॉक अबाउट रैंकिंग एवरी स्टार्टर पोकेमॉन फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट, और ये लिस्ट वर्स्ट पोकेमॉन टू बेस्ट पोकेमॉन तक होने वाली है। यानी कि सबसे पहले हम लोग वर्स्ट पोकेमॉन्स की बात करेंगे और रैंकिंग करते करते हम लोग बेस्ट पोकेमॉन्स तक पहुंचेंगे। और वीडियो के एंड में हमारे हिस्ट्री ऑफ पोकेमॉन्स वाले वीडियो के क्रिटिकल इशू के बारे में भी बताया गया है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। बट आफ्टर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लिया है ताकि मेरी ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि हमारे बहुत ही जल्द 50 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट होने वाले हैं। सो हाँ, मेक श्योर कि आपने ये सभी चीजें कर ली होंगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। लिस्ट की शुरुआत हम लोग 9 नंबर से करते हैं जो कि है यूनोवा रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन से। अगर हम बात करें यूनोवा रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन्स की तो इन्हें वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट स्टार्टर पोकेमॉन में से एक माना जाता है। और अगर हम इनकी डिजाइंस की बात करें तो इनकी डिजाइंस बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हैं। और अगर हम इन स्टार्टर पोकेमॉन्स के पावर लेवल्स की बात करें तो इनके पावर्स बिल्कुल डिसेंट है, लेकिन इनमें से टाइपिक फेनिकन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा वीक फायर टाइप पोकेमॉन है। और अगर हम बात करें इन पोकेमॉन्स की बेस स्टेट की तो इनका बेस स्टेट ज्यादा नहीं बल्कि 308 है। और अगर हम इन पोकेमॉन्स के फाइनल इवोल्यूशंस की बात करें, यानी कि सरपीरियर, एम्बर और सामुरोड, तो ये तीनों ही पोकेमॉन्स वन ऑफ द मोस्ट वीकेस्ट फाइनल स्टेज पोकेमॉन्स है। और अगर हम बात करें इनके डिजाइंस की तो फर्स्ट इवोल्यूशन से फाइनल इवोल्यूशन तक इनके डिजाइन को थोड़ा इम्प्रूव किया गया है, और पावर्स के बारे में क्या है कहना, ये तो ऑलरेडी ही वीक है। और अगर बात करें कि इन पोकेमॉन्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है तो वो और कोई नहीं बल्कि सरपीरियर होगी, क्योंकि ऑफिशियल एनिमे में सरपीरियर ने दो बार एश के पिकाचू को डिफीट कर रखा है, जो कि काफी ज्यादा रेयर बात है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट यानी कि 8 पॉइंट की तरफ, जो कि है पार्डिया रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन्स। पार्डिया रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन्स हमें रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब बात की जाए इन पोकेमॉन्स के डिजाइन की तो इनके डिजाइन बिल्कुल भी सही नहीं है। अब बात करते हैं इनके पावर लेवल्स की। वैसे तो ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं जिसके वजह से इनके पावर लेवल्स हमें नहीं दिखाए गए, लेकिन फिर भी इन पोकेमॉन्स के पावर लेवल्स बिल्कुल डिसेंट टाइप की हैं। लेकिन जब ये पोकेमॉन्स अपने फाइनल स्टेज में इवॉल्व करते हैं तब इन पोकेमॉन्स की पावर लेवल्स थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और अगर बात की जाए इन पोकेमॉन्स के डिजाइन की तो के डिजाइंस काफी ज्यादा अच्छे बनाए गए थे फाइनल इवोल्यूशन के लिए। और अगर बात की जाए इन पोकेमॉन्स के पावर लेवल्स की, हाँ पावर लेवल वाइज ये पोकेमॉन्स डिसेंट से थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और अगर बात की जाए कि इन पोकेमॉन्स के पास फेनोमेना है कि नहीं, तो रिसेंटली पार्डिया रीजन में एक नया फेनोमेना इंट्रोड्यूस हुआ था जिसका नाम था द क्रिस्टल फेनोमेना, जो कि काफी ज्यादा रेयर था। लेकिन ये क्रिस्टल फेनोमेना इन तीनों ही पोकेमॉन्स में किसी के पास भी नहीं है, और इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्केलेड्रिक है। स्केलेड्रिक के पास दोनों टाइपिंग के आगे टाइप एडवांटेज है जिससे वो काफी स्ट्रॉन्ग बनता है। बढ़ते हैं 7th नंबर की तरफ जो कि है जोटो के स्टार्टर पोकेमॉन। तो अगर हम बात करें जोटो के स्टार्टर पोकेमॉन्स की तो ये पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में लौटे ऐसे स्टार्टर्स थे जिन्हें बहुत ही कम स्क्रीन प्ले मिला था, यानी कि इन स्टार्टर पोकेमॉन्स को पूरे एनीमे में बहुत ही ज्यादा कम दिखाया गया था, जिसकी वजह से हमें इनकी रियल पावर्स कभी भी नहीं दिखाई गई, जिसकी वजह से हमें पूरे ओवरऑल एनीमे में ये काफी ज्यादा वीक दिखाए गए। पोकेमॉन्स अपने फाइनल स्टेज यानी कि मेगेनियम, टाइपोलोजन और फेरालीगेटर में इवॉल्व करते हैं तब इनकी पावर्स अपने फर्स्ट इवोल्यूशन से 10 टाइम बढ़ जाती हैं, और इन्हें जोटो के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से एक माना जाता है। अगर बात की जाए पावर लेवल की, एनीमे और गेम्स के अकॉर्डिंग इन्हें जोटो का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन माना जाता है। लेकिन अगर बात की जाए इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है तो वो और कोई नहीं बल्कि फेरालीगेटर है। एनीमे में जितनी बार हमें फेरालीगेटर को दिखाया गया है उन सभी टाइम में वो मेगेनियम और टाइफोलोजन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। डिजाइन की तो इसकी डिजाइन मेगेनियम और टाइफोलोजन से काफी ज्यादा अच्छी है, जो कि बिल्कुल ट्रू है। अपने नेक्स्ट नंबर यानी कि 6 नंबर की तरफ जो कि है सिनो रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन। वैसे तो सिनो रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन्स को वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टार्टर पोकेमॉन्स में से एक माना जाता है, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें 6 नंबर पे रखा है। डिजाइन वाइज ये पोकेमॉन तो काफी ज्यादा अच्छे हैं। फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन होने के बावजूद भी ये पोकेमॉन सेकंड स्टेज पोकेमॉन को काफी आसानी से डिफीट कर सकते हैं। जब ये पोकेमॉन अपने फाइनल स्टेज यानी कि एम्पोलियन, इंफरनेप, टॉटेरा में इवॉल्व करते हैं तब इनकी पावर्स अपने फर्स्ट इवोल्यूशन से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं।
और बात की जाए इनके डिजाइन की तो इनके डिजाइन बेस्ट डिजाइन ऑफ सिनो माने जाते थे। और बात की जाए कि इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन कौन सा है तो वो ऑब्वियसली बल्कि इन्फर्नेप ही होगा, क्योंकि इन्फर्नेप के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो इन पोकेमॉन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है और वो एबिलिटी ब्लेज है। जो लोग ब्लेज एबिलिटी के बारे में जानते ही होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि कैसे ब्लेज एबिलिटी में इन्फर्नेप की पावर्स 100 टाइम बढ़ जाती है। कंपैरिजन में अगर बात की जाए टॉटेरा की तो वो इवॉल्व करते ही टॉटेरा काफी वीक बन जाता है क्योंकि उसके वेट बढ़ने की वजह से उसकी स्पीड काफी कम हो जाती है। और अगर बात की जाए एम्पोलियन की तो एम्पोलियन ना ही ज्यादा वीक है और ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे वो एक डिसेंट टाइप का पोकेमॉन बन जाता है। ओवरऑल ये ट्रायो परफेक्ट है, लेकिन अगर टॉटेरा को थोड़ा इम्प्रूव किया जाता तो ये प्रॉपरली परफेक्ट होता। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर यानी कि फिफ्थ नंबर की तरफ, जो की है अलोला रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन्स। अगर बात की जाए अलोलन स्टार्टर पोकेमॉन्स की तो अलोला स्टार्टर पोकेमॉन्स को पूरे पोकेमॉन एनीमे में फोर्थ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टार्टर पोकेमॉन माना जाता है। और अगर बात करें इन पोकेमॉन्स की पावर लेवल्स की, इनकी पावर लेवल इतनी ज्यादा है कि ये फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन होते हुए भी सेकेंड स्टेज पोकेमॉन को काफी आसानी से डिफीट कर सकते हैं। लेकिन जब ये पोकेमॉन्स अपने फाइनल स्टेज यानी कि डेसिड्यू, इंसिनरर और पेरमेनिया में इवॉल्व करते हैं तब ये डिजाइन वाइज काफी ज्यादा बेटर बन जाते हैं, लेकिन ये पावर वाइज इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते। और अगर बात की जाए कि इनके पास कोई फेनोमिना है कि नहीं, और वो फेनोमिना है जीमू। हाँ, ये तीनों ही पोकेमॉन जीमू का यूज कर सकते हैं और जीमू का यूज करने के बाद ये पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और अगर बात की जाए इन पोकेमॉन्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है तो वो और कोई नहीं बल्कि इंसिनरर ही होगा। इंसिनरर डेसिडियो और पारमेरिया के कंपैरिजन में बिना जीमूव के भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेसिडियो और पारमेरिया के आगे इंसिनरर का जीमूव काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और डिजाइन वाइज इस ट्रियो में इंसिनरर नंबर 2 पे बिलोंग करता है। ओवरऑल ये ट्रियो काफी ज्यादा परफेक्ट है, लेकिन अगर पारमेरिया को हटा कर किसी और को ले लिया जाए तो ये ज्यादा परफेक्ट हो सकता था। अब बढ़ते हैं फोर्थ नंबर की तरफ, जो की है कालोस स्टार्टर पोकेमॉन्स। अब ये सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में गाली मत देने लग जाना कि मैं सबसे बेस्ट स्टार्टर ट्रियो को नंबर 4 की रैंकिंग दे रहा हूं। इसके पीछे एक रीजन है कि इस पूरे ट्रियो में सबसे ज्यादा पॉपुलर मेंबर और कोई नहीं बल्कि फ्रॉकी है। फ्रॉकी ग्रेनिंजा में इवॉल्व करता है और ग्रेनिंजा एज ग्रेनिंजा में इवॉल्व करता है, और एज ग्रेनिंजा की पॉपुलैरिटी तो हम जानते ही हैं। लेकिन बाकी दो पोकेमॉन्स अपने फर्स्ट इवोल्यूशन में भी थोड़े बहुत फेमस थे, लेकिन जब ये पोकेमॉन्स अपने फाइनल इवोल्यूशन में इवॉल्व करते हैं तब डेल्फॉक्स और चेस्टनॉट को छोड़कर ग्रेनिंजा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों पोकेमॉन्स अपने फाइनल इवोल्यूशन में स्ट्रॉन्ग नहीं बनते, बल्कि ये दोनों ही पोकेमॉन्स ग्रेनिंजा के टक्कर में हैं। और बात करें डिजाइन की तो ये तीनों ही पोकेमॉन डिजाइन में काफी ज्यादा अच्छे हैं, और इन पोकेमॉन्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली ग्रेनिंजा ही होगा। ये बात बच्चों को पता है कि ग्रेनिंजा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ओवरऑल पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में ग्रेनिंजा ही इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जो कि बॉन्ड इवॉल्व कर सकता है, और बॉन्ड इवोल्यूशन ग्रेनिंजा को छोड़कर किसी भी पोकेमॉन के पास नहीं दिखाया गया, जिससे पता चलता है कि ये ट्रायो परफेक्ट तो है लेकिन अगर इसमें ग्रेनिंजा ना होता तो शायद ये पोकेमॉन वर्ल्ड में मोस्ट हेटेड ट्रायो होता। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट नंबर यानी कि थर्ड नंबर की तरफ, जो कि है गला रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन्स, जो कि है ग्रुप की स्कॉर्बनी और सॉबर। और ये स्टार्टर पोकेमॉन्स कुछ ही साल पहले गला रीजन में इंट्रोड्यूस हुए थे, और फन फैक्ट ये है कि इन तीनों ही पोकेमॉन्स को बिल्कुल परफेक्ट बनाया गया था, लेकिन ये अपने फर्स्ट इवोल्यूशन में थोड़े वीक होते हैं। लेकिन जब ये पोकेमॉन्स अपने फाइनल इवोल्यूशन में इवॉल्व करते हैं, लेकिन फाइनल इवोल्यूशन में इवॉल्व करने के बाद इनके पास एक डिसएडवांटेज आ जाता है जहां पर इनकी टाइपिंग सिर्फ एक टाइप की रह जाती है, लेकिन इन तीनों ही पोकेमॉन्स के पास एक एडवांटेज भी है जो कि है जिगांटामैक्स फेनोमेना। हां, ये तीनों ही पोकेमॉन्स जिगांटामैक्स हो सकते हैं जिनमें इनकी एचपी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एग्जांपल के लिए तीनों ही पोकेमॉन्स लियोन के पास थे और उस टाइम पर लियोन कोई भी बैटल नहीं आ रहा था। अब बात करते हैं कि इन तीनों पोकेमॉन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग वो ऑब्वियसली रिलाबूम ही होगा। वेल, अगर आपने गलार रीजन देखा ही होगा तब आपको पता ही होगा कि गलार रीजन में लियोन का रिलाबूम अकेले ही एश के 5 पोकेमॉन को डिफीट कर देता है, और सिर्फ पावर वाइज नहीं बल्कि ओवरऑल रिलाबूम सिंड्रिंस और इंटीलियन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ओवरऑल ये गलारियन ट्रायो दूसरे स्टार्टर पोकेमॉन ट्रायो से काफी ज्यादा अच्छा है। ये सुनते ही वीडियो मत छोड़ना क्योंकि लिस्ट अभी कंटिन्यू है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर यानी कि सेकंड नंबर की तरफ, जो कि होइन रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन। अगर हम बात करें होइन के स्टार्टर पोकेमॉन्स की तो ये वन ऑफ द मोस्ट ओजी स्टार्टर्स में से एक है। और बात की जाए इन पोकेमॉन्स के डिजाइन की तो इनके डिजाइन उस टाइम पे काफी ज्यादा यूनिक थे। और बात की जाए इन पोकेमॉन्स के पावर लेवल्स की तो इनकी पावर्स उस टाइम पे इतनी तो थी ही कि ये आसानी से किसी भी नॉर्मल पोकेमॉन को डिफीट कर सकते थे, लेकिन फिर भी इनकी पावर्स उतनी ही थी जितनी एक नॉर्मल पोकेमॉन की होती है। लेकिन जब ये अपने फाइनल इवोल्यूशन यानी कि स्वैम्पर्ड, सेप्टाइल और ब्लेजिकेन में इवॉल्व करते हैं तब इनकी पावर लेवल्स इतनी ही ज्यादा बढ़ जाती हैं जो कि वर्ल्ड में एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। और बात की जाए इन पोकेमॉन्स के डिजाइंस की तो इन पोकेमॉन्स के डिजाइन ओवरऑल होइन में सबसे ज्यादा बेस्ट माने जाते हैं। और अगर बात की जाए इन पोकेमॉन्स के टाइप एडवांटेज की तो इनमें से सेप्टाइल के पास दोनों ही टाइप्स के सामने टाइप एडवांटेज है। और अगर बात की जाए फेनोमिनास की तो ये तीनों ही पोकेमॉन मेगा इवॉल्व कर सकते हैं, और मेगा इवॉल्व करने के बाद इन तीनों ही पोकेमॉन्स के बेस स्टेट 100 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। बात की जाए इन मेगा पोकेमॉन्स के डिजाइंस की तो इनके डिजाइंस नॉर्मल फॉर्म से काफी ज्यादा बेटर बन जाते हैं, और मेगा इवॉल्व करने के बाद इनके
टाइपिंग 1 टाइप से 2 टाइप की हो जाती है, यानी कि ग्रास टाइप और ड्रैगन टाइप। और बात की जाए इन पोकेमॉन्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो ये जज करना थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन गूगल के अकॉर्डिंग स्वैम्पर्ड इस ग्रुप का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, जो कि अपने नॉर्मल फॉर्म में काफी वीक होता है, लेकिन जब स्वैम्पर्ड मेगा इवॉल्व करता है तब उसकी पावर्स मेगा सेप्टाइल और मेगा ब्लेजिकन से भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस अकेले बंदे ने रिक्वाजा जैसे स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन को भी डिफीट कर रखा है। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर की तरफ, जो कि है कांटो रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन। बात की जाए कांटो स्टार्टर पोकेमॉन की, तो ये हमारे फर्स्ट रीजन यानी कि कांटो रीजन के पहले स्टार्टर पोकेमॉन्स थे, जिन्हें मोस्ट ओजी पोकेमॉन्स में से एक माना जाता है। और बात की जाए पावर लेवल्स की, तो ये हमारे कांटो रीजन में इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिसके वजह से ओवरऑल इनकी पावर्स उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जब ये तीनों पोकेमॉन्स अपने फाइनल इवोल्यूशन यानी कि वीनसॉर, चारिज़ार्ड और ब्लास्टोइज़ में इवॉल्व करते हैं, तब बात की जाए इनके डिजाइंस की, तो इनके डिजाइंस में भी बहुत ही बड़ा चेंज आता है, यहाँ पर ये थोड़े जायंट पोकेमॉन बन जाते हैं। बात की जाए पावर लेवल्स की, तो इवॉल्व होने के बाद इनके पावर लेवल 100 टाइम बढ़ जाते हैं, और ये पोकेमॉन्स मेगा इवॉल्व भी कर सकते हैं। मेगा इवॉल्व करने के बाद इन पोकेमॉन्स की बेस स्टेट 100 पॉइंट से बढ़ जाते हैं। बात की जाए इनके डिजाइंस की, तो इनके डिजाइंस में बहुत ही बड़ा इम्प्रोवाइजेशन आता है। और बात की जाए इनके पावर लेवल्स की, तो इन तीन पोकेमॉन्स को मेगा इवोल्यूशन के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से एक माना जाता है। इन पोकेमॉन्स के पास जिगांटा मैक्स फेनोमेना भी है, जहाँ पर ये पोकेमॉन्स कांटो और गलार के पहले ऐसे पोकेमॉन बनते हैं जो कि मेगा इवॉल्व और जिगांटा मैक्स दोनों कर सकते हैं। बात की जाए इनके पावर लेवल की, तब ये मेगा इवोल्यूशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और बात की जाए इन पोकेमॉन्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो ये चीज मेरे अकॉर्डिंग और गूगल के अकॉर्डिंग क्योंकि ब्लास्टोइज मेगा ब्लास्टोइज और जी मैक्स ब्लास्टोइज में इवॉल्व कर सकता है, और विनसॉर मेगा विनसॉर और जी मैक्स विनसॉर में इवॉल्व कर सकता है, चारिज़ार्ड मेगा चारिज़ार्ड एक्स मेगा चारिज़ार्ड वाई और जिगांटा मैक्स चारिज़ार्ड में इवॉल्व हो सकता है। ओवरऑल चारिज़ार्ड के पास टोटल 3 फॉर्म है, 2 मेगा इवोल्यूशन और 1 जिगांटा मैक्स, जिसे चारिज़ार्ड फेनोमिनल और नॉर्मली विनसॉर और ब्लास्टोइज से आगे है। ओवरऑल कांटो स्टार्टर ट्रियो परफेक्ट के साथ साथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यही था आज का हमारा वीडियो, बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। रिसेंटली कुछ वीडियोस में मैं कह रहा हूँ द हिस्ट्री ऑफ पोकेमॉन्स वाली वीडियो मैं बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ, लेकिन सॉरी मैंने आपको इतना ज्यादा वेट करवाया। तो हाँ, तब तक हमारे चैनल पे बने रहना ताकि आप हिस्ट्री ऑफ पोकेमॉन्स वाली वीडियो को कभी भी मिस ना कर पाओ। एंड आफ्टर ओवर एंड आउट, आप में से 90% ऐसी ऑडियंस है जो कि हमारे वीडियो को लाइक नहीं करती और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती, जिसकी वजह से हमारे 50 के सब्स भी पूरे नहीं हो रहे हैं। तो हाँ, मेक श्योर कि आपने इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लिया है। तो हाँ, दिस इज इनफ फॉर टुडे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओवर एंड आउट।